इनेलो ब्लॉक समिति पूर्व चेयरमैन शीलू कुमारी के पति ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। 9 सितंबर को बाबेन में होने जा रही इनेलो की रैली में लाखों की संख्या में लोग आएंगे। हमने अपने हलके के दौरे किए हैं। रैली को लेकर हमारे हलके के आदमी और महिलाओं में भारी उत्साह है और सभी साथी रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। रैली में विपक्ष नेता बैसिंह चौटाला जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी मौजूद होंगे। जी सर, जो बैन में बड़ी रैली होने जा रही है 9 तारीख को, उसके बारे में क्या बताओगे? सबसे पहले तो कितने जनसंख्या आने के आसार हैं आपके? सबसे पहले मेरा सभी साथियों को नमस्कार। बैन में इनेलो की जो रैली है वो 9 तारीख 9 सितंबर को होने वाली है और इस रैली में हल्के से लाखों की तादाद में जनसंख्या पहुँचने की उम्मीद है और भारी संख्या में जो हमारे हल्के की लेडीज हैं वो भी भारी संख्या में आएंगी और उनमें बहुत सारा उत्साह है। रैली को लेकर हर गांव में हमने जैसे अपने हलके में दौरे किए हैं तो सभी लोगों में युवा, ज़्यादातर युवा साथियों में और जो यहाँ की लेडीज हैं उनमें बहुत ही जोश है और सभी साथी बढ़ चढ़ कर रैली में 9 तारीख की जो रैली है इनेलो की भाग लेंगे और रैली में हमारे विपक्ष के नेता जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हमारे अशोक अरोड़ा जी और काफ़ी हमारे जो कांग्रेस के बारे में क्या बताएंगे, जो 6 पार्टियों का गुट बन रहा है जी, उड्डा गुट अलग है, रणदीप सुरजेवाला अलग है, कुमारी शैलजा अलग है सर, और इधर ही उड्डा की जनयात्रा रैली 9 तारीख को निकल रही है, उसके बावजूद भी कुरुक्षेत्र के अंदर किरण चौधरी की रैली भी अलग है, आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर आज के समय में 8 या 10 उम्मीदवार सीएम के उम्मीदवार हैं जो अपने आप को सीएम का उम्मीदवार मानते हैं और वो अपने ही सीएम के उम्मीदवार की जो सीएम उम्मीदवार के लिए अपने आप ही ताल ठोक रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सीएम हूँ, दूसरा दिखाना चाहता है कि मैं सीएम हूँ, इसलिए वो एक हलके में एक हलके की रैली ना करके पूरे हरियाणा के लोगों को बुलाकर एक ये दिखाते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। इनेलो की जो हमारी बैंड में रैली है वो एक हलके की रैली है, लेकिन हमारी हलके की रैली भी एक हरियाणा जैसी रैली होगी जिसमें लाखों की तादाद में युवा साथी और बुजुर्ग साथी और मेरी माताएँ और बहनाएँ पहुँचने की उम्मीद है। 6 से 2019 के चुनाव का भी दल बन चुका है, उसके बारे में आपकी पार्टी की तरफ से क्या निर्णय रहेगा और आपकी पार्टी में क्या तैयारी चल रही है? जैसे सबको पता ही है कि 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये भी सबको पता है कि अब की बार जो सरकार है वो इनेलो की सरकार बनेगी, गठबंधन से बीएसपी और इनेलो की सरकार बनेगी। बाकी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं सभी नेता अपनी रैलियों में और अपने जनसभाओं को संबोधित करने में बिजी हैं। जी, क्या नाम है, क्या पता आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं एक युवा इनेलो से नेता नहीं बल्कि एक वर्कर हूं जो पार्टी को अपने हलके में और पूरे हरियाणा में मजबूत करना चाहता हूं और मैं अपने नेता का इसी प्रकार से बढ़ चढ़ कर अपने नेता को बढ़ चढ़ कर यहाँ से ज़्यादा वोटों से जीत दिलाने की कोशिश करूँगा। बोलो। मेरी मिसेस शीलू कुमारी पहले हल्का लाडवा बगैन ब्लॉक से चेयरमैन रही हैं और उनकी भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी इस रैली में रहे। अभी मौजूदा थी वो जी ब्लॉक समिति मेंबर? नहीं, अभी मौजूदा 2016 में वो बबैन ब्लॉक से चेयरमैन बनी थी और चेयरमैन वो इनेलो पार्टी से बनी थी, जबकि बीजेपी वालों ने अपनी दावेदारी दिखाते हुए उनके प्रति अभी 2017 में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। उन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश की है लेकिन हम अपनी पार्टी में हमारा जो मान सम्मान है इनेलो पार्टी में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने अपनी पार्टी को ना छोड़ते हुए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तुम्हारा नाम बता रहा, अपना क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार।